नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाइयों का पूछना था कि धान खरीदी 2022-23 को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या नियम कानून है वो बनाया गया है, और किसान जो है अपना पंजीयन किस तारीख तक करा सकते हैं, क्या क्या व्यवस्था रखी गई है, बारदाने को लेकर के क्या व्यवस्थाएँ हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में है वो मिलेगी। तो बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, देर ना करते हुए आपको सारी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का जो कार्य है वो 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ है वो किया जा रहा है, और धान खरीदी का यह जो कार्य है वो 2023 में 31 जनवरी तक है वो किया जाएगा, और राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के लिए गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंजीकृत किसानों को कैरी फॉरवर्ड एवं डाटा अद्यतन कर नवीन किसानों का पंजीयन कर धान की खरीदी है वो की जाएगी। तो जी हाँ किसान भाइयों, जैसे हमारे पुराने जो किसान भाई हैं जो पिछले वर्ष धान बेचे हैं और गत वर्षों से धान बेचते जाते हैं, तो उनका जो है पंजीयन अपने आप कैरी फॉरवर्ड है वो किया जाएगा, और जो हमारे नए किसान भाई हैं वो अपने एकीकृत किसान पोर्टल के जरिए अपना पंजीयन है वो करा सकते हैं। तो आप सबको बता दें कि किसान पंजीयन का कार्य है वो कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से है वो किया जा रहा है, और अभी तक 24,05,288 किसानों का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड है वो किया गया है। तो ये वे किसान भाई जिन्होंने गत वर्षों में अपनी धान की बिक्री है वो की है, और 95,000 नवीन किसान हैं वो पंजीकृत हुए हैं। इसके साथ ही आप सबको बता दें कि खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है वो लगाया गया है, जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। जी हाँ किसान भाइयों, हमने बीते कई वर्षों में देखा है कि हमारे किसान भाइयों को बारदानों को लेकर के बहुत समस्याएं हैं, उसका सामना करना पड़ा था, तो जिसका निपटारा है वो इस वर्ष और पिछले वर्ष भी है वो किया गया था। इस वर्ष क्या समाधान है वो किया गया है बारदाने को लेकर के, हम आपको बताते हैं कि धान खरीदी के लिए भारत सरकार की जो नवीनतम बारदाना नीति के अनुसार 50-50 के अनुपात में नए एवं पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे 50% जो बारदाना है वो हमारे किसान भाई खुद लेकर के आएंगे, और 50% बारदाना जो है सहकारी समिति है उनके द्वारा दिया जाए, तो इस अनुसार धान की खरीदी है वो किसानों से किया जाएगा। आप सबको बता दें कि चावल उपार्जन हेतु आवश्यक 2,97,000 गठान में से 2,37,000 गठान बरदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृत भारत सरकार द्वारा दी गई। अभी तक 2,37,000 गठान का इंडिट जारी है वो किया गया है, जिसके विरुद्ध 1,45,000 गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं, और शेष 48,000 गठान जो है नए जूट बारदाने गत वर्ष के उपलब्ध हैं। तो बारदानों के लेकर के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि किसानों को इस वर्ष बारदानों को लेकर के कोई समस्या है उसका सामना करना नहीं पड़ेगा, 50:50 के अनुपात में धान की खरीदी है वो की जाएगी, और बारदानों को लेकर के हमारे किसान भाइयों को रुकना नहीं पड़ेगा अपने धान की बिक्री के लिए, धान की खरीदी जो है लगातार सतत रूप से है वो किया जाएगा। तो इसी प्रकार से धान खरीदी 2022-23 का जो कार्य है वो इस वर्ष निपटाया जाएगा इसी नियम कानून के मुताबिक, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपना पंजीयन है वो नहीं कराया है, एकीकृत किसान पोर्टल पर जाकर के अपना पंजीयन है वो करा सकते हैं। धान खरीदी की शुरुआत अगले महीने से यानी कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर धान खरीदी का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने अन्य किसान भाइयों तक खबरें हैं वो शेयर करें, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।